एक दिन सो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन सो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले कैसे चलूंगा तेरे साथ में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा बन श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, राधा बन श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगी ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन सो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी ने कहा मैं कैसे ले चलूं तुम्हें। पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। मोहन शिवाय बोली पुरुष न जाए उस रास में, मोहन के सिवा वहां पुरुष नहीं जाए कोई रास में। मोहन सिवाय बोली पुरुष न जाए उस रास में, मोहन सिवा कोई पुरुष न जाए। हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन से वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
बाबा ने कहा हमें भी अपने जैसा बना लो। कैसा बनाए? जब बहुत कहा पार्वती ने जब नहीं माने तो माता जी ने कहा फिर व्यवस्था करो। तो भोले बाबा ने व्यवस्था देखो क्या किया। झुमका झांसी का कानों में डाला, झांसी से झुमका मंगाया, माला मद्रास का था निराला, करधनी कानपुर से मंगा ली, नागपुर की नथुनिया निराली, साड़ी बनारस से मंगाई, सारा श्रृंगार औरत का करके चल दिए वो सुहानी डगर पे। भोले बाबा ने कहा ये जो मैंने सब आभूषण मंगाए हैं इन्हें मुझे पहनाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो भोले बाबा ने सारा श्रृंगार औरत का किया और पार्वती जी से कहते हैं ऐसा बनाना मुझको कोई न जाने इस बात को, ऐसा बनाना मुझे कोई न जाने इस बात को, ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ये है सहेली जब वहां पर कोई पूछे कन्हैया पूछे तो कह देना ये हमारी सहेली है। और देखो पार्वती मैं घूंघटा नहीं खोलूंगा और जब घूंघट नहीं खोलूंगा तो जब ब्रजराज कहे घूंघट खोलो तो तुम कह देना कि ये है तो बड़ी मेरी प्रिय सहेली लेकिन एक आंख से कानी है, ऐसा बता देना, तब वो घूंघट नहीं खोलेगा। ऐसा बनाना मुझको कोई न जाने इस बात को, ऐसा बनाना मुझे कोई न जाने इस बात को, ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ये है सहेली के घूंघटा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हो रहा था। जाते जाते भगवान ने देख लिया और जब श्याम ने देखा, देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को, देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को, दौड़ करके आ गए
देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को, देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को, ऐसी बजाई बंसी भगवान आए और भोले बाबा घूंघट लंबा निकाले बैठे हुए थे, आकर के पूछने लगे पार्वती से ये कौन, तो पार्वती ने कहा ये हमारी सहेली है। तो ये घूंघटा क्यों निकाले, यहां घूंघट का क्या काम है? पार्वती ने कहा लल्ला देखो ऐसा है कि ये घूंघट इसलिए निकाले हैं, ये बिचारी बड़ी शर्मीली है। तो क्या हुआ, यहां स्त्रियों में कैसी शर्म की बात। पार्वती ने कहा कन्हैया तुम इसकी तरफ ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो, तुम दूसरी तरफ ध्यान दो। कन्हैया ने कहा नहीं, मेरा ध्यान ही इधर को जा रहा है बार बार, तो मैं क्या करूं। पार्वती कन्हैया को थोड़ी इधर हटाकर हटकर की बोली, कन्हैया देखो लाला ये थोड़ी सी समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये बेचारी बड़ी सयानी है और एक आंख से कानी है। भगवान ने कहा तो क्या हुआ, घूंघट खोले। पार्वती ने कहा लल्ला तुम तो पीछे पड़ गए। अरे मैं क्या करूं, इतनी गोपियां सब हैं उनकी तरफ मेरा दिमाग नहीं जा रहा है, ये तुम्हारे साथ जो तुम्हारी सहेली आई है उसी तरफ मेरा दिमाग बार बार जा रहा है, आखिर क्यों? कुछ तो है, घूंघट खोलो। इससे कहो घूंघट खोले। पार्वती ने कहा घूंघट नहीं खोलेगी, तो कन्हैया ने कहा मैं खुद खोले लेता हूं। और भगवान श्याम ने भोले बाबा का घूंघट पकड़ा और पकड़ करके जैसे उठाना चाहा तो भोले बाबा ने इतना आगे को खींच लिया कि पीछे सब मैदान साफ। कभी साड़ी वाड़ी पहनी थी नहीं, तो भगवान ने पीछे को झांका, पीछे का पल्लू पकड़ करके खींचना चाहा तो भोले बाबा ने पीछे को खींचा। अब आगे पीछे यहां तक भोले बाबा ने अपने उस पल्लू को पकड़ करके अपने सर से लपेट लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बाबा, देखें कब तक बचोगे तुम। छोड़ दिया प्रभु ने। देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को, देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को, ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूली भोलेनाथ को, ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ को, खुल गया घूंघटा खुल गई साड़ी, नाचे वो त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन से वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, 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 रास में आ